हेलो एस्पीरियंस, आज हम आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मुगल इरा मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि मुगलों के टाइम में, मुगलों के शासनकाल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनी उनके बारे में। जैसे कि हर एक राजा हो गया, उनके टाइम में फेमस पेंटर कौन थे, कोई फेमस पेंटिंग उनके टाइम की, जैसे बाबर है उनके टाइम के फेमस पेंटर थे बीजाद, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो प्रूव होंगे। नाउ मुगल इरा की हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको हिस्ट्री ज़रूर पढ़ना है, आपको सारे शासकों का पता होना चाहिए कि कौन पहले आता है, किसका बेटा कौन था, अदरवाइज आप कैसे रिलेट करके पढ़ पाएंगे। राइट, सो देखिए, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ये दोनों मैंने पढ़ाए हुए हैं कम्प्लीट अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। फिलहाल मुगल इरा जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी उनका फोकस कहाँ पे रहता था? ग्लोरीफाइंग द रूलर एंड शोइंग हिज लाइफ। सारा का सारा जो फोकस था वो राजा पे, शासक पे होता था, उनकी लाइफ कैसी है, ज़िंदगी कैसी है, उनका दरबार, ये सब चीज़ें जो है पेंटिंग्स में होती थी। अब इससे पहले का टाइम की अगर बात करें तो भगवान, देवी देवता, रिलीजन, ये मेन थीम रहता था, लेकिन जब मुगल्स आए तो उन्होंने फोकस किया शासक पे, ना कि भगवानों पे, क्योंकि वैसे भी वो मुस्लिम थे, है ना, तो उनका तो कोई ऐसे डिपिक्शन या मूर्ति पूजा नहीं होती है, तो उन्होंने ये जो रूलर थे इस पे फोकस अपना शिफ्ट कर दिया। नाउ पेंटिंग्स जो ये बनाते थे वो मेनली हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड होती थी, कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स होती थी, जो मैंने कहा राजा के दरबार की या कोई ऐतिहासिक घटना है उसकी, कोई युद्ध हो गया उसकी। ठीक है, ये यूनिक इसलिए मानी जाती थी बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ब्रिलियंट कलर्स, बहुत ही डार्क, बहुत ही तीखे, बहुत ही ब्रिलियंट कलर्स का यहाँ पर यूज़ होता था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग मानी जाती थी बाकी सबसे। यहाँ पे टेक्निक जो यूज होती है वो होती है फोरशॉर्टनिंग। अब फोरशॉर्टनिंग क्या होता है आपने याद रखना है, फोरशॉर्टनिंग को आपने मुगल से रिलेटेड करके रखना है। ठीक है, सो फोरशॉर्टनिंग क्या होता है, इट मींस ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन इन अ वे दैट लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे रियली आर। ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से बनाया जाता है कि वो बहुत छोटे लगते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे सामने नजदीक है। ठीक है, तो फोरशॉर्टनिंग, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक है, ऐसे करके आपने याद रखना है। नाउ हम वन बाय वन हर एक शासक के बारे में पढ़ेंगे, उनका लाइफ टाइम पीरियड वो सब तो नहीं पढ़ेंगे, बट उनके टाइम में कोई फेमस पेंटर, कोई फेमस पेंटिंग या उन्होंने क्या बनाया, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, बिल्कुल भी कमजोरी ना करें। नाउ पहले शासक थे बाबर, इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी भज साहब करके, वो आप मेरी मुगल इरा वाली जो वीडियोस हैं उनमें ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ट्रिक के थ्रू बताया है भज साहब करके, उससे क्या होगा ना, आप भूलेंगे नहीं किसके बाद कौन आता है, क्योंकि होता ही है कि एक बार पढ़ेंगे याद हो गया, फिर पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है अरे भूल गए, तो ट्रिक से थोड़ा सा हम शासकों का एक सिक्वेंस याद कर सकते हैं, है ना। नाउ बाबर सबसे पहले आए, ही डिडेंट हैव मच टाइम टू कमीशन पेंटिंग्स, वो ज़्यादा टाइम तक शासक रहे ही नहीं, तो उनको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो पेंटिंग्स को ज़्यादा जो है बढ़ावा दे सकते। ठीक है, स्टिल ही पेट्रोनाइज द पर्सियन आर्टिस्ट भिजाद, एक पर्सियन आर्टिस्ट थे भिजाद, उनको शरण दी थी बाबर ने। अब भिजाद ने मेनली क्या काम बनाया था, क्या उनकी इलस्ट्रेशन थी, सो ही मेड सम इलस्ट्रेशन ऑफ द मुगल फैमिली ट्री। मुगल फैमिली ट्री समझते ना कि सबसे पहले फादर कौन थे, फिर उसके कितने बच्चे हुए, कितने सन है, कितनी डॉटर्स हैं, सन का आगे परिवार, इस तरह से। ठीक है, वंश एक तरह से पूरा बताया था। नाउ हुमायूं, अब हुमायूं वॉज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स एंड बिल्डिंग ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स बनानी है, सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बनानी है, इसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन ही लॉस्ट थ्रोन टू शेरशाह सूरी। अब हम पढ़ते ना कि पहले हुमायूं था, फिर शेरशाह सूरी आया, फिर हुमायूं फिर आया, फिर इनकी डेथ हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं रह सके, तो बीच में शेरशाह सूरी आ गए, तो उस टाइम पर इनको वहाँ से निकाल दिया गया, ही वॉज एग्जाइल टू पर्सिया, पर्सिया में वो चले गए, वेयर ही एक्वायर्ड द सर्विसेज ऑफ टू पेंटर्स, जहाँ पे इनको दो पेंटर्स मिले जो इनके अंडर रहने लगे, वो थे अब्दुस समाद एंड मीर सैयद अली। तो होता क्या है ना, क्वेश्चन में एक पेंटर का नाम आता है और आपको क्रॉस करके मैच करना होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने, मैंने हाईलाइट पे किए हुए नाम याद रखने हैं, बाबर, बेहजाद, हुमायूं, अब्दुस समाद एंड मीर सैयद अली। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड शासक जो कि थे अकबर। अब देखिए अकबर काफ़ी फेमस रूलर था मुगलों का, है ना, सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ते हैं मुगल टाइम पीरियड में, मुगल इरा में, वो हम अकबर के बारे में ही पढ़ते हैं। सो एंटायर डिपार्टमेंट, इन्होंने पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया विच वॉज डिवोटेड टू द पेंटिंग्स एंड स्क्राइबिंग ऑफ हिज डॉक्यूमेंट्स। वो पूरा डिपार्टमेंट किससे डील करता था, पेंटिंग से डील करता था, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्क्राइब करने से, उनको बनाने से डील करता था, मतलब इसी के लिए इन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा था।
ही एस्टेब्लिश्ड अ फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो, एक प्रॉपर स्टूडियो बनाया जिसे तस्वीर खाना कहते थे। उसमें क्या होता था, आर्टिस्ट को हायर किया जाता था, उनको सैलरी दी जाती थी टू डेवलप देयर ओन स्टाइल, कि अपना कुछ स्टाइल बनाए, कुछ डिफरेंट चीज़ बनाए, जो सब बनाते हैं वो नहीं, कुछ अलग इस तरह से, ठीक है। नाउ इंडियन आर्टिस्ट वर कॉल्ड अप इन तस्वीर खाना। अब होता क्या है, अब मुगल जो है बाहर से आए, जिस तरह से भी आए, पर्सिया से आए, पहरा आया, जो भी हुआ, लेकिन अब यहाँ पे वो आ गई हैं तो वो अपने साथ आर्टिस्ट तो नहीं लेकर आएंगे, लेकर भी आएंगे तो एक दो लेकर आएंगे, हमेशा तो हर एक शासक बाहर से आर्टिस्ट नहीं लाएगा। तो इन्होंने इंडियन आर्टिस्ट को हायर किया तस्वीर खाना के लिए। अब क्योंकि इंडियन आर्टिस्ट को हायर किया, सो इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड इन मुगल पेंटिंग्स। अब जैसे होता है ना इंग्लिश के लिए, कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो अब सीख भी लेते हैं हम इंग्लिश, लेकिन हमारा जो पता चल जाता है कि ये इंडियन एक्सेंट है ना, इंडियंस का कुछ अलग होता है, जो प्रॉपर जिनकी इंग्लिश मदर टंग है उनका अलग होता है, तो वो इंडियन इन्फ्लुएंस आ जाता है ना इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में भी, प्रोनंसिएशन में भी, वैसे ही पेंटिंग में भी इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, फेमस पेंटर्स कौन कौन थे अकबर के टाइम पीरियड के, वो थे दसवन, बसावन एंड केसव। अब आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने कैसे याद करना है, वैसे ये इन तीन के लिए ही है। जैसे बाबर हमने पढ़े ना, पहले रूलर थे, है ना, तो बाबर पहले रूलर थे तो एक पेंटर, हुमायूं के हुमायूं दूसरे शासक थे तो दो पेंटर्स, अकबर तीसरे शासक थे तो तीन पेंटर्स, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। बाबर से भी ज़्यादा तो आपको याद हो ही जाएगा, अब्दुस से हुमायूं से याद कर लेना, दो बड़े बड़े नाम अब्दुस एंड मीर, एंड अकबर से छोटे छोटे नाम दसवंत, बसावन, केसू। अब इनके ट्रिक्स मत बनाना क्योंकि सबके ट्रिक्स आप याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। ट्रिक्स आप सिर्फ बड़ी, जैसे वाइस रॉयज हो गए, उनका सीक्वेंस कैसे याद करना है, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया हो गए, उनका सीक्वेंस कैसे याद रखना है, वो सीक्वेंस याद रखने के लिए आप ट्रिक बना सकते हो। यहाँ पे मुगल इरा है, यहाँ पे शासकों का सीक्वेंस याद रखने के लिए आप ट्रिक्स बना सकते हो, बट ओवरऑल हर एक चीज़ के लिए ट्रिक्स नहीं बनानी है, ठीक है। नाउ फेमस पेंटर्स हो गए दसवंत, बसावन, केसु, प्रोमिनेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जो विच वर रिटन बाय हैंड्स अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले जो हाथ से लिखी जाती थी उन्हें कहते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सो फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट्स अकबर के टाइम की है तूतीनामा, हमजानामा एंड गुलिस्तान ऑफ सादी, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो GSK हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए इसी के साथ हमारा अब फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, और ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आते हैं जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में हम पढ़ेंगे। सो मुगल पेंटिंग्स अपने जीनीथ पे, अपने टॉप पे पहुंची थी इन्हीं ज़िरा जहांगीर के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि मुगल पेंटिंग जीनीथ पे किसके टाइम पे पहुंची थी, जहांगीर के टाइम पे। नाउ ही वाज नेचुरलिस्ट बाय नेचर। नेचुरलिस्ट का मतलब है जिन्हें नेचर से बहुत लगाव हो, नेचुरल चीज़ें पसंद हो, तो इन्होंने पेंटिंग्स में भी नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया, ज़्यादा कहते हैं ना कि डोमिनेंस जो है आपको जहांगीर के टाइम की पेंटिंग्स के नेचर में मिलेंगी। ही प्रेफर्ड द पेंटिंग्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इनकी पेंटिंग्स को उन्होंने ज़्यादा बढ़ावा दिया। एंड यूनिक ट्रेंड दैट डेवलप्ड इन हिज पीरियड। इनके टाइम पीरियड में जो अलग से ट्रेंड सामने आया वो थोड़ा डेकोरेटेड मार्जिन, डेकोरेटेड मार्जिन समझते हैं कि कोई पेंटिंग की इस तरह से उसमें मार्जिन बना दिया। अब जो मार्जिन है इस तरह से, उसमें यहाँ यहाँ भी पेंटिंग की हुई है, यहाँ यहाँ भी पेंटिंग की हुई है, ठीक है, वो हो गई आपके डेकोरेटिव मार्जिन्स। ही हिमसेल्फ वॉज अ गुड आर्टिस्ट। अब जहांगीर खुद से एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे जेब्रा की हो गई, कॉक की हो गई। हमने क्या पढ़ा कि एनिमल्स एंड प्लांट्स को ज़्यादा वो तवज्जो देते थे, है ना। नाउ ऑल्दो नो मेजर वर्क बाय हिम सर्वाइव। अब जहांगीर का कोई बहुत बड़ा मेजर काम तो अभी तक सर्वाइव नहीं किया है, बट ये जेब्रा और कॉक ये सर्वाइव किए, दो एनिमल्स की पेंटिंग्स। नेक्स्ट आता है फेमस पेंटर जहांगीर के टाइम का, तो वो था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे ना उनमें ऐसा कोई पेंटर का नाम नहीं आएगा। तो पहले तीन की ट्रिक मैंने आपको बता दी, चौथे है जहांगीर, जहांगीर का मंसूर करके आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट जो शासक हैं मुगल इरा के, उनके बारे में पढ़ते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। शाहजहां आ गए, है ना। शाहजहां ने क्या बनाया है, ताजमहल, किसके लिए, अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, है ना। फेमस है, वन ऑफ द सेवन जो वंडर्स हैं वर्ल्ड के उनमें से एक है ना। शाहजहां के बारे में पढ़ें, ही लाइक्ड टू क्रिएट आर्टिफिशियल एलिमेंट्स इन हिज पेंटिंग्स। समझ रहे हैं, मतलब बाप बेटा बिल्कुल अपोजिट है। जो जहांगीर था, जो कि इनके पिता थे, वो
नेचुरल थे, नेचुरलिस्ट थे, नेचुरल पेंटिंग्स को फोकस करते थे, एनिमल्स एंड प्लांट्स पे फोकस करते थे। लेकिन जो शाहजहां थे ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स जो होते हैं पेंटिंग्स पे उन पे ज़्यादा फोकस करते थे, है ना। इट इज़ सेड दैट ही ट्राइड टू रिड्यूस द लिवलीनेस ऑफ द पेंटिंग्स एंड ब्रिंग इन अननेचुरल स्टिलनेस। जो एक जीवन होता है ना पेंटिंग में, जो जिंदगी होती है, कई बार पेंटिंग्स ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि ये बाहर निकल के आ जाएगा, इतनी रियल होती हैं। तो वो जो रियलनेस होती है, वो जो लिवलीनेस होती है, वो जो जीवन वाला जो फीलिंग होता है, वो चीज़ इन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश की और अननेचुरल सा जो है एक आर्ट लाने की कोशिश की। यूज़ ऑफ चारकोल बिल्कुल बंद कर दिया ही। एनकरेज टू ड्रॉ यूजिंग अ पेंसिल, पेंसिल के थ्रू ड्रॉ करो, ये चीज़ इन्होंने स्टार्ट की। एंड ही ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द पेंटिंग्स, पेंटिंग्स में गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ बढ़ा दो, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, नाउ ये है औरंगजेब हमारे लास्ट, क्योंकि इनके टाइम के बाद डिक्लाइन हो गया था पेंटिंग्स में। ठीक है, तो आगे किसी ने ऐसा ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं किया, पेट्रोनाइज नहीं किया था। सो औरंगजेब के बारे में पढ़ें, ही डिडंट एनकरेज पेंटिंग्स, पेंटिंग्स को इन्होंने एनकरेज ही नहीं किया। सो कोर्ट पेंटर्स ने क्या किया, माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिया, कुछ राजस्थान चले गए। तभी जो हम राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ेंगे ना, जैसे हम पढ़ेंगे आगे 6-7, 4-5 वीडियोस, कुछ इतने पार्ट्स आने हैं अभी इसी चैप्टर के इंडियन पेंटिंग्स के, तो वहाँ पे जो राजस्थानी स्कूल ऑफ स्टाइल है वहाँ पे मुगल इरा का इन्फ्लुएंस बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है, अब यहाँ तो पैटर्नाइज नहीं किया गया, पेंटर्स को तो पेंटिंग ही आती है, वो कोई और काम तो नहीं कर सकते, तो वो माइग्रेट हो गए दूसरे इलाकों में ताकि वहाँ जाके उन्हें काम मिल सके। नाउ शार्प डिक्लाइन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ पेंटिंग्स, इनके बाद से जो पेंटिंग की एक्टिविटीज़ थी उनमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, क्योंकि होता ना कि आगे जो इनके बच्चे होंगे वो देखेंगे कि पेंटिंग तो इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हमारे दरबार में, तो वो भी नहीं देंगे। तो इससे फिर जो ये ट्रेंड था मुगल पेंटिंग्स का, ये खत्म हो गया। ठीक है, नाउ इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब देखिए काफ़ी कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, जैसे कि आपके मुराल पेंटिंग्स हो गए, मिनिएचर पेंटिंग्स हो गए, इंडियन पेंटिंग्स के क्लासिफिकेशन, और आज हमने मिनिएचर पेंटिंग्स के बाद मुगल इरा मिनिएचर पेंटिंग्स पढ़ा है ना। तो अभी हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आप बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। प्लस आर्ट एंड कल्चर ना आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में मुझे नहीं लगता कहीं पर मिलेगा, जहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएँ, तो आप नोट्स देख कर बना सकते हैं, या फिर आपको मिलेगा तो शॉर्ट में मिलेगा, बहुत शॉर्ट में, जैसे पेंटिंग्स हो गई तो कौन सी पेंटिंग कौन से स्टेट की है, इतना करके बहुत ज़्यादा इलैबोरेटिव नहीं मिलेगा। तो मेरे नोट्स बहुत इलैबोरेटिव भी नहीं है, बट जितना एग्जाम्स के लिए चाहिए होता है उस हिसाब से हैं। ठीक है, तो आपको पसंद आया आप नोट्स ज़रूर बनाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।